नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा एमएड प्रवेश परीक्षा जो 2019 में आयोजित कराई गई थी उसका परिणाम जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, परिणाम को कैसे देखें आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा एमएड प्रवेश परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया गया है और सभी सफल अभ्यर्थियों की यहां पर सूची जारी की गई है और इस सूची में सभी अभ्यर्थियों को रैंक प्रदान की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एमएड प्रवेश परीक्षा 2019 में हीरा कुरुतिया ने पहला स्थान प्राप्त किया है, नेहा साहू ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, अंकित गौतम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, प्रगति तिवारी ने चौथा स्थान प्राप्त किया है और स्वाति ने पांचवा स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार सभी कैंडिडेट की यहां पर रैंक शो हो रही है। आप भी अपनी रैंक यहां पर चेक कर सकते हैं, आप कौन से स्थान पर आए हैं यदि आपने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया है। आइए बात करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में एमएड विषय की कितनी सीटें हैं। सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करते हैं। ये एक को एजुकेशनल संस्थान है और ये एडेड भी है। यहाँ पर एमएड की 25 सीटें हैं। GSRM मेमोरियल डिग्री कॉलेज, यहाँ पर एमएड विषय की 50 सीटें हैं। ये एक सेल्फ फाइनेंस को एजुकेशनल कॉलेज है। रमा महाविद्यालय, ये एक को एजुकेशनल संस्थान है और सेल्फ फाइनेंस की यहाँ पर 50 सीटें हैं। आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, ये एक को एजुकेशनल सेल्फ फाइनेंस संस्थान है और यहाँ पर एमएड विषय की 50 सीटें हैं। सिटी एकेडमी डिग्री कॉलेज, ये एक को एजुकेशनल सेल्फ फाइनेंस संस्थान है, यहाँ पर एमएड विषय की 25 सीटें हैं। सिटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, ये भी एक सेल्फ फाइनेंस को एजुकेशन संस्थान है और यहाँ पर एमएड विषय की 25 सीटें हैं। रजत पीजी कॉलेज, यहाँ पर एमएड विषय की 50 सीटें हैं और ये सभी सीटें सेल्फ फाइनेंस हैं और ये कॉलेज को एजुकेशनल कॉलेज है। को एजुकेशनल कॉलेज वे कॉलेज होते हैं जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों मिलकर पढ़ाई करते हैं। आगे बात करते हैं किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। गौतम बुद्ध डिग्री कॉलेज, यहाँ पर एमएड विषय की 25 सीटें हैं, ये सेल्फ फाइनेंस है और एक को एजुकेशनल संस्थान है। रामेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये भी एक को एजुकेशनल संस्थान है, सेल्फ फाइनेंस है और यहाँ पर एमएड विषय की 50 सीटें हैं। रजत कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, ये एक को एजुकेशनल संस्थान है, सेल्फ फाइनेंस है और यहाँ पर एमएड विषय की 50 सीटें हैं। इरम डिग्री कॉलेज, ये गर्ल्स के लिए हैं, सेल्फ फाइनेंस है और यहाँ पर एमएड विषय की 25 सीटें हैं। श्री महावीर प्रसाद महिला महाविद्यालय, ये गर्ल्स के लिए हैं, सेल्फ फाइनेंस है और यहाँ पर एमएड की 25 सीटें हैं। स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय, यहाँ पर गर्ल्स की 25 सीटें हैं और ये सेल्फ फाइनेंस संस्थान है। लाला महादेव प्रसाद वर्मा बालिका महाविद्यालय, गर्ल्स के लिए हैं और ये एक सेल्फ फाइनेंस संस्थान है, यहाँ पर एमएड विषय की 50 सीटें हैं। रजत वुमेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन गर्ल्स के लिए हैं और यहाँ पर 50 सीटें एमएड की हैं और सारी की सारी सीटें सेल्फ फाइनेंस हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जिन कैंडिडेट को ओपन रैंक अलॉट की गई है वे सभी कैंडिडेट यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उन सभी कैंडिडेट को अपनी यहाँ पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है और चॉइस फिल करनी है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सभी कैंडिडेट 6 अगस्त 2019 से 13 अगस्त 2019 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी चॉइस भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सभी कैंडिडेट को अपने बीएड की फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपना EWS वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। जिन कैंडिडेट ने 13 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा दिया है पर किसी कारणवश चॉइस नहीं फिल कर पाए हैं वे 14 और 15 अगस्त तक अपनी चॉइस यहां पर फिल कर सकते हैं। 16 अगस्त को फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और किन किन कैंडिडेट को कौन से कॉलेज मिले हैं यहां पर उनके डिक्लेरेशन हो जाएगा। इसके बाद सारी आगे की प्रक्रियाएं होंगी। यदि आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं और आपका यहां पर नंबर आया है तो इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उसके बाद ही काउंसलिंग में प्रतिभाग कीजिएगा। यदि आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं और साथ ही साथ एमएड एंट्रेंस रिजल्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जाना है www.lkounib.ac.in की साइट पर। जैसे ही आप इस साइट पर पहुंचेंगे आपको कुछ इस प्रकार का पेज खुला मिलेगा।
यहाँ पर साइड में आपको तीन लाइनें दिखाई दे रही होंगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इन तीन लाइनों पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको एडमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एमएड पर क्लिक करना है और फिर नीचे पहुँच जाना है। नीचे कुछ लिंक आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओवरऑल मेरिट लिस्ट, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग गाइडलाइंस यहाँ पर लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन अवश्य दबाइए।